नमस्कार, हम मौजूद हैं अलवर के कृषि उपज मंडी में। इन दिनों कृषि उपज मंडी में सरसों की जो आवक है वो जोरों पर है। लगातार किसान पूरे जिले से सरसों लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे हैं। यहां पर हमारे साथ में व्यापारी मौजूद हैं, मिट्टू जी, उनसे जानते हैं आज क्या भाव सरसों के हैं, कितनी सरसों आई है, क्या है। पूरी मंडी में आज लगा लो हमारे मंडी में 13,000 कट्टे आए हैं। पूरी मंडी में भाव लगा लो, नीचे में हमारे नीचे मंडी में सरसों बिक रही है 4,500 रुपये, ऊपर बिक रही है 5,500 रुपये। जो मॉइस्चर का माल तो बिक रहा है 4,500 लेके 4,800, सूखा माल बिक रहा है 6 मॉइस्चर का माल 5,500 42 लाख। और पूरा देश की बात करी जाए तो पूरा देश भर में लगा लो 9.5 लाख कट्टे की आमद है आज जो आमद है पूरे देश भर में। और जो गवर्नमेंट रेट रही है, गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट से शुरू लेना शुरू करेगा 20 तारीख से। 20 तारीख से गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये। इसलिए थोड़ी क्या है, अभी 2-4 दिन पहले तो आमद हुई थी 15-18 हज़ार के आसपास। अब थोड़ा क्या है कि जमींदार काश्तकार माल कम लाना पसंद करते, मौसम खराब है कुछ, तो मौसम के वजह से काश्तकार अपने माल में लग गए लाने के चक्कर में। और कुछ क्या है कि भाव को रोक के लाने की गवर्नमेंट की रेट है 5,650 और मंडी से बिक्री 5,150। कितने कट्टे आए हैं मंडी में आज? मंडी में लगा लो 12-13 हज़ार कट्टे आए हैं मंडी में आज। कहाँ कहाँ से सरसों आ रही है जिले? सारे अलवर जिले के जो आसपास के हैं, अपने ये मालाखेड़ा है, बालेटा है, पृथ्वीपुरा है, पूनखर है, अपने यहाँ के आसपास जो एरिया पड़ता है अलवर जिले की, सब चीज़ें यहीं आती है जिले के। और पास की जो मंडियाँ हैं, जैसे मालाखेड़ा मंडी है, मंडी में चली गई, बड़ौदा मंडी में चली गई सरसों। अब खैतल मंडी जो पास लगता है इलाका बगल में, खैतल चली गई। अलवर मंडी की आमद 12-13 हज़ार कट्टे, पूरा देश भर में 2.5 लाख कट्टे की आमद है। जी, हमारे साथ में ये व्यापारी मौजूद थे, अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी मौजूद है, किसान से पूछना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत यादव है, मैं तुलड़ा गांव का रहने वाला हूँ। कितनी सरसों लेकर आए मंडी में आज? 10 बोरी सरसों लेकर आया हूँ सर। क्या भाव आपको मिला है? 4,600। कितनी सरसों की आपने पैदावार की है? 1.5 बीघा सरसों बोई थी, जिसमें 5,000 का खर्चा आया और 5,000 कटाई में लग गए, बाकी 4,600 रुपये एक बोरी का भाव लगाया। तो आपको अच्छा भाव मिल रहा है? हाँ, मंडी के हिसाब से ठीक है। तो सरसों की जो है क्वालिटी कैसी है अब की बार? क्वालिटी देखो बढ़िया है, कुछ शुरू में खैर डबल बार हुई थी, लेकिन फिलहाल ये क्वालिटी ठीक आ रही है सरसों की, दाना मोटा है, कुछ मॉइस्चर भी देखने को मिल रहा है, तो है वो जल्दी सुखाते नहीं, तो लाने से मॉइस्चराइज़ है जल्दी लाने से। जी, हमारे साथ में यहाँ जो किसान भाई हैं ये भी मौजूद थे, उनसे हमने जाना कि उनके उनका कहना है कि हम यहाँ तुलेड़ा गांव से आए हैं और उन यहाँ पर जो सरसों लेकर आए थे, अब हम यहाँ पर मंडी के अंदर खड़े हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह मंडी के अंदर सरसों का ढेर जो है चारों तरफ नजर आ रहा है और किस तरह यहाँ पर सरसों भराई का कार्य चल रहा है और किस तरह यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कट्टे में जो है सरसों भरी जा रही है, फिर उसकी तुलाई की जा रही है, उसके बाद में बोरी में उनको पैक किया जा रहा है। वहीं आज सरसों की जो आवक है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो किसान हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। नितिन शर्मा, अलवर।